हेलो जी, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मिलिट्री पावर एंड रैंक इन 2024। ओके, तो हम देखेंगे कि अब करेंटली 2024 स्टार्ट हो गया है और इसमें पाकिस्तान की क्या पावर्स हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज्जिज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वतन अजीज पाकिस्तान दुनिया के चंद इंतहाई अहम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान को ज्यादातर दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी मिलिट्री पावर और खुद पर इनसार करते हुए अपनी चीजें बनाने की लगन की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो सिर्फ अपनी हवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी जरूरत से 20 गुना ज्यादा, शमसी तवानाई से 5 गुना और जियो थर्मल एनर्जी से अपनी जरूरत से 100 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। याद रहे कि जब कोई मुल्क अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा बिजली पैदा कर ले तो इसकी तरक्की की रफ्तार भी उसी तेजी के साथ बढ़ जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन भी निहायत कलीदी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक को समंदर के साथ कनेक्ट करने के लिए रादारी फ्राहम कर सकता है। इसी रादारी पे सी पैक के नाम से पाकिस्तान चाइना के साथ भी काम कर रहा है, जो कुछ ही बरसों में मुकम्मल भी हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके हथियार बैनुल अक्वामी सतह पर क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा सराहे जाते हैं। ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक और कुछ लातीनी अमरीका के मुल्क पाकिस्तान के हथियारों को बड़े शौक से खरीदते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री में किस किस किस्म के और कितने हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की फोर्सेस में मौजूद अफरादी तादाद की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है। पाकिस्तान की तमाम आर्म्ड फोर्सेस में 6.5 लाख से ज्यादा फौजी जवान शामिल हैं, जबकि 5.5 लाख से ज्यादा फौजी जवान बतौर रिजर्व भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की आर्मी अफरादी कुव्वत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। 2.5 लाख से जायद मुख्तलिफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स की तादाद भी 1,85,000 से ज्यादा है। यूं ये तमाम तादाद मिलाकर सिर्फ एक्टिव ड्यूटी पर मौजूद आर्मी फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड फोर्सेस की तादाद ही 10 लाख फौजी जवानों से ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान के पास 200 से जायद न्यूक्लियर बम भी मौजूद है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास टोटल 1400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें से 363 फाइटर तैयारे हैं, जबकि डीकनेक्टेड अटैक तैयारों की तादाद 90 से ज्यादा है। फाइटर तैयारों में से पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा तैयारा अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटिंग फाल्कन है, जिसे अटैक तैयारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर चाइना से खरीदा हुआ J-10C तैयारा है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान अच्छी खासी तादाद में चाइना के तावुन से मकामी तौर पर तैयार करदा अपना त्यारा JF-17 थंडर इस्तेमाल करता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास थर्ड जनरेशन के मैराज 2000, मैराज 5 और F-7PG जैसे त्यारे भी मौजूद हैं। मैराज और F-7 सीरीज जल्द ही रिटायर होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मैराज 5 और दीगर त्यारों को बतौर बम्बिंग त्यारों के भी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद तकरीबन 60 है। नए पायलट्स के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जिन्हें ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, इनकी तादाद 550 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स की तादाद 25 है, जिनमें पाकिस्तान बड़े और जदीद किस्म के रडार इस्तेमाल करता है। इन तैयारों में साब 2000 एरी, फाल्कन DA-20 और ZD के 3 अकसाम के जदीद तरीन तैयारे शामिल है, जो दुश्मन के रेडार्स और तैयारों को अंधा करने के काम आते हैं। हवा में फ्यूल भरने वाले एयर रिफ्यूलर टैंकर तैयारों की तादाद 4 है। पाकिस्तान के पास टोटल हेलीकॉप्टर की तादाद 322 है, जिनमें 58 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इनमें पाकिस्तान ज्यादातर अमरीकी कंपनी बेल के बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर, जिनमें AH-1 कोबरा, बेल 205 और बेल 412 शामिल है, और बेल 412 शामिल है इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ तुर्की और चाइना से हासिल करदा कई दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इसके साथ पाकिस्तान तेजी के साथ 5वीं नस्ल के जदीद तैयारों, जिन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, की तैयारी में भी मसरूफ है। अपने इस प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान तुर्की के कान प्रोजेक्ट और चाइना के स्टेल्थ तैयारों के तजर्बे से भी मुकम्मल तौर पर फायदा उठा रहा है। तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान तकरीबन 1200 से ज्यादा ड्रोन्स भी रखता है, जिनमें ज्यादातर मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स हैं, जबकि कुछ ड्रोन्स चाइना और तुर्की से हासिल किए गए हैं।
इनमें सबसे ज्यादा जदीद तीन ड्रोन एकेंची और टीबी टू ड्रोन हैं, जो तुर्की से लिए गए, जबकि चाइना का लायल विंग मैन भी एक इंतहाई जदीद ड्रोन है जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारों का ब्लॉक 3 भी तैयार कर लिया है, जबकि ब्लॉक 4 पे भी तेजी से काम जारी है। ब्लॉक 3 पे नया इंजन भी लगा दिया गया है और यूं अब हमें रूसी इंजन से निजात मिल गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान के कामरा एयर कॉम्प्लेक्स के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के जदीद तरीन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर तैयारों में जदीद तरीन चाइनीज इंजन जिसका नाम WS-13 है फिट कर दिया गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अपने इस्तियारे की पावर में इजाफा हुआ है, बल्कि अब पाकिस्तानी त्यारा पहले से कहीं ज्यादा हथियार भी उठा सकता है। इस नए इंजन की इंजन लाइफ भी काफी ज्यादा है और यूं पाकिस्तानी JF-17 थंडर में लगने वाले पुराने रूसी इंजन से जान छुड़ा ली गई है। रूसी इंजनों की लाइफ काफी कम होती है, जबकि चाइना इस सिलसिले में काफी आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को चाइना का मुकम्मल तआवुन हासिल है। अगर हम पाकिस्तान की आर्मी यानी जमीनी फौज की बात करें तो इसके पास टैंकों की टोटल तादाद 3,442 है। इनमें से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान और चाइना के तावुन से बनाई गई अल खालिद, अल जरार और दीगर टैंक्स की है। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए जमीनी गाड़ियां, जो बुलेट प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियां कहलाती हैं, इनकी तादाद पाकिस्तान के पास 77,770 है। अगर हम तोपखाने की बात करें तो तोपखाने में दो तरह की तोपें इस्तेमाल की जाती हैं। एक तोप को सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी या हाउटर्स कहा जाता है, जो बड़ी गाड़ियों पर नस्ब होती है और इसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी किस्म की तोप को टोड आर्टिलरी या टोड हाउटर्स कहते हैं। ये एक जगह फिक्स होती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में काफी वक्त लग जाता है। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हाउसेज की तादाद 1225 से जायद है, जबकि टोड आर्टिलरी हाउसेज की तादाद 3,345 है। इसी तरह पाकिस्तान के पास मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स, जिन्हें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इनकी तादाद 1,838 है। मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम्स में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने अपने अल्फता रॉकेट सिस्टम की रेंज भी 300 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अल्फता, इसका कामयाब तजर्बा अभी कुछ ही दिन पहले किया गया है। पाकिस्तान के पास मौजूद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम अल्फता की सबसे ज्यादा खास बात इसकी बहुत ज्यादा रेंज है, जो कि 400 किलोमीटर है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी और खास बात इसकी एक्यूरेसी है। आमतौर पर रॉकेट्स ज्यादा दुरुस्ती के साथ निशाने पर नहीं लगते, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में खासी कामयाबी हासिल कर ली है और पाकिस्तान के रॉकेट्स की एक्यूरेसी सिर्फ 1 मीटर तक आ गई है। यानी अब पाकिस्तानी रॉकेट्स निहायत दुरुस्ती के साथ टारगेट हिट कर सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की समुद्री ताकत यानी नेवल फोर्सेस की बात करें तो इसमें पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास टोटल बैरी जहाज या छोटी कश्तियां मिलाकर 114 जंगी जहाज या कश्तियां हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बैरी जहाज नहीं है, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर बैरी जहाज भी नहीं है। अगर हम आबदोजों की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 12 आबदोजे हैं। इनमें से 3 आबदोजे तो हाल ही में तुर्की और चाइना के तावन से बनाई गई, जबकि 3 आबदोजे काफी पुरानी हैं, जिन्हें अगस्टा क्लास फ्रेंच आबदोजों का नाम दिया गया है। इन तीनों आबदोजों को जल्द ही नई आबदोजों के साथ तब्दील करने का काम शुरू हो चुका है। अगर आप किसी और मुल्क की फौजी ताकत के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने देखा आपने और मैंने दोनों ने मिलकर कि पाकिस्तान की 2024 की अभी करेंटली कितनी पावर है, कितना कुछ लिया है, कितनी सारी 77,000 की तादाद में कुछ चीज़ें हैं भाई वहाँ पर इतनी ज़्यादा अमाउंट में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो F-16, F-17 और कुछ चीज़ें रिटायर करता जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता जा रहा है और पावर जो है वो जनरेट कर रहा है, बना रहा है, बिजली बना रहा है, अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बना रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का काम चल रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस अभी 2024 है, ये 2023 में भी क्राइसिस थे और अभी भी ठीक से सुधरा नहीं है पाकिस्तान का पॉलिटिकल इशू, और उसके चलते हुए दूसरी तरफ पाकिस्तान इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा तरक्कियां कर रहा है, मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है और ये सारे काम साइड में चलते रहते हैं और चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो
ये वीडियो काफ़ी कुछ बताता है कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर चुका है। और एक चीज़ मैंने और देखी है, अभी एक अनाउंसमेंट किया है पाकिस्तान ने कि J-31 कर स्ट्रीट फाइटर जेट उसने लेने का फैसला कर लिया है, मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है और ले रहा है पाकिस्तान। तो जल्द ही वो भी आ जाएगा और उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर पावर में बहुत कुछ कर रहा है पाकिस्तान, अपनी सिक्योरिटी से लेकर दूसरे की सिक्योरिटी तोड़ने तक का काम जो है वो काफ़ी सही तरीके से कर रहा है पाकिस्तान। और इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें, पाकिस्तान ड्रोन्स ले रहा है और जो एक्सपायर होने वाली चीज़ें हैं, जो जल्दी रशियन जैसे कि इंजन है वो रूस के इंजन को निकाल कर अपने ही चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो अमेजिंग है, पाकिस्तान की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ाता जा रहा है। और दूसरी तरफ बहुत कुछ उलझने चल रही हैं देश में, लेकिन फिर भी मिलिट्री पावर को काफ़ी कुछ इम्प्रूव करता जा रहा है पाकिस्तान। कमाल की बात है। एंड करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय।